गांधी जी ने पंचायती राज्य का सपना देखा था, जिसको अपनी सरकार ने पूर्ण भी किया। पंचायती राज्य में हरिजन और आदिवासियों की भी भागीदारी हो सके, जिसके लिए प्रत्येक जिले में कुछ ग्राम पंचायतें इनके लिए आरक्षित की जाती है। आरक्षण से हरिजन और आदिवासी सरपंच तो जनता के द्वारा चुन लिए जाते हैं। अधिकांश ग्रामों में इन सरपंचों को भयभीत कर गाँव के दबंग लोग सरपंच चलाते हैं और पंचायतों के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार करते हैं और प्रशासन के द्वारा भोले भाले सरपंचों पर रिकवरी निकल जाती है। ऐसा ही ताज़ा मामला सामने आया है। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत बिंदारी का है, जहां का सरपंच बादाम आदिवासी अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए अपनी पत्नी और बच्चों सहित गाँव में मजदूरी करता है। सरपंच की पत्नी सहित गेहूँ काटने का वीडियो वायरल हुआ था। हंसी तो तब आती है जब गरीब सरपंच को सरकार के द्वारा 32 लाख के गबन का नोटिस थमा दिया जाता है। जब हमारे संवाददाता ने बिंदारी जाकर सरपंच बादाम आदिवासी की घर की स्थिति देखी तो जिसमें पानी और शौचालय नहीं था, जब उनसे पूछा गया कि आपके पंचायत के कार्यों में 32 लाख का गबन किया गया है, तो उनका और उनकी पत्नी का कहना है कि मुझे ग्राम पंचायत के कार्यों में कोई भी जानकारी नहीं है। गाँव के कुछ दबंग राय परिवार के लोग और सचिव और रोजगार सहायक मिलकर ग्राम पंचायत की राशि का गबन किया है। मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे शासकीय कार्यों में कागजों के जबरन दस्तावेज पर दस्तखत करवा लिए जाते हैं। जब राय परिवार से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि मुझे यूं ही बदनाम किया जा रहा है। गांव के ही राजकुमार बिंदुआ और उनके लड़के इलू बिंदुआ को सचिव ने ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार करके पैसों का गबन किया है। मगर यह बात सही है कि आज भी गांव में सरपंच कोई भी बन जाए, मगर सरपंच ही गाँव के दबंग लोग ही चलाते हैं और पंचायत के कार्यों में भारी भ्रष्टाचार करते हैं। मोहनगढ़ से अब्दुल शुक्ला की रिपोर्ट। अच्छा, मजदूरी से काटा है। अच्छा, घर पे मतलब कोनो राशन पानी नहीं है? अब घर पे होते तो हम काऊ को काय हो के खेत को काट दी। अच्छा, शासन की दुआ अब कोनो आपको सुविधा प्रदान नहीं हुई? अब का है सुविधा को, अब जैसे हमें ना कोई बताया हाँ, ना कोई जानकारी है। अच्छा, आपको पंचायत के बारे में कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं, सेक्रेटरी के मेरा से सेक्रेटरी हाँ जो कहा पूरे से भी जाने सेक्रेटरी का जो कहा आपसे पूछा तो हुज्जे में कछु? हम से कुछ नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं है, हम का बस का पूछे भी हम। अच्छा, तो कछु दस्तखत मस्तर नहीं दावा? अब दस्तखत मस्तर खून दावा से भी तो आओ छु आप यहां दावा ले जा तो जी जा। अच्छा, तुमसे पूछते ही नहीं है का काम कराओ का नहीं कराओ? हमें कोई जानकारी नहीं। अच्छा, किसी काटा है आज आप? आज का काटा है हम लोग, जब पूरा खेत है पास वाला ठेका है हां, तो मैं दूरी में जो अपना पाली बचने के काज है अपना। अच्छा, तो आप जूता भी नहीं पे हैं पावन में? अब होते तो। आपका नाम? भगवती। भगवती कौन पूरा? नापे। कहाँ की निवासी हो? एताई की। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सरपंच मजदूरी से पिसी काट रहा था, मैंने उसकी बाइट ली तो वो बता रहा है कि आपके यहाँ उसने मजदूरी की। क्या उसने आपके लिए मजदूरी की? कब की? पिसी काटी पिसी। कितने दिन? चैत में हाँ काटी। कितने दिन काटी थी? 8 दिन। 8 दिन की आपने मजदूरी दी थी और पहली बार काटी के वो कहता है हमें समझ नहीं। पहली बार काटी तो हमारे ठीक है। हम आपका नाम? शिमला। शिमला कौन पूरा? आदिवासी। कहाँ की निवासी हो? जिलाई की। आप ग्राम पंचायत में पंच हैं क्या? हाँ पंच हैं। आपका सरपंच कौन है? हमारे देवर हैं। क्या नाम उनका? बादा। तो माँ, आपके गांव में जितने सरपंच में काम हुए हैं उनमें भ्रष्टाचार हुआ और लगभग सुनने में आ रहा है कि सरपंच के ऊपर 30 से 32 लाख की रकम भी है, क्या सरपंच यही चलाते हैं? नहीं चलाते। किसने चलाई सरपंच? सरकारी चलाती है। और कौन? राय चलाते हैं। राय का क्या नाम? हज्जू राय। हज्जू राय। और पहले ऐसा सुनने में आया है कि पहले हज्जू चलाते थे, अब कोई और चला रहा है, अब कौन चला रहा है? सकाटी का क्या नाम? कभी ग्राम पंचायत की बैठक हुई? नहीं, आज तक नहीं। आपके दस्तखत डलवाए गए? सरपंच साहब के दस्तखत डलवाए गए? नहीं, हमको जानकारी नहीं। आपको कोई जानकारी नहीं? आपको ये जानकारी है कि आपके यहाँ कितनी ग्राम पंचायत में विकास की योजनाएं चल रही? कुछ हुआ है वो कुछ खा गए। पैसा खा गए? कौन खा गए? ये सकाटरी मैंने चलाई, पहले इन्हें खाए, अब सकाटी खा रहा। मतलब सरपंच को कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं। सर आपका नाम? बादाम आदिवासी। कहाँ की निवासी हो? बिनारी की। ऐसा सुना है कि आप बिनारी ग्राम के सरपंच हो? हाँ सर। तो आपके गांव में ऐसा सुनने में आया है
के जो पंचायत के द्वारा काम कराए जाते हैं उनमें भारी भ्रष्टाचार हुआ, क्या है इसकी आपको जानकारी है? आपने किया क्या है? हमने नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया? किन के द्वारा ये किया गया? ये सेक्रेटरी के द्वारा। और कोई? और गांव के भी हैं उनके साथ में। सेक्रेटरी कौन, नाम क्या उनका? नाम प्रताप। प्रताप, ऐसा सुनने में आया है कि जो आपकी ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है उसमें आपके ऊपर लगभग लगभग 32 लाख की रकम भी बांधी गई। अच्छा, हमको भी जानकारी तो नहीं है। हाँ। अच्छा, आप जो सेक्रेटरी जान सकते हैं जी है? आपको जैसे ग्राम पंचायत की बैठक या कुछ होता था या काम का तो आपको बुलाया जाता था? नहीं, कोई नहीं बुलाया जाता। आज तक आपके दस्तखत डलवाए गए? कोई नहीं, हमें कोई पता नहीं। दस्तखत खत हम अनपढ़ हैं तो आप तो दस्तखत उन्होंने करो तुम डलवा ली थी। उसमें ऐसा भी कुछ सुनने में आया है कि गांव के कुछ दबंग लोगों ने सेक्रेटरी के साथ मिलकर सरपंची चलाई है, इसमें कितनी सत्यता है? हाँ, बिल्कुल सही है बात। किन लोगों ने चलाई है आपको जानकारी? अच्छा, गांव के भी मिले जुले रहते हैं। कितने लोग? दो चार। कौन लोग थे वो? गांव के ऐसे कई ऐसे। आपको जानकारी तो होगी क्योंकि पैसों पे दस्तखत डालने तो आप जाते होंगे। हाँ, तो सेक्रेटरी के साथ। हाँ, तो बे दस्तखत डालवा लीजिए। हाँ, अभी सरपंच जी फिलहाल में कौन चला रहा है? अच्छा, वे चला रहे, पूरी सेक्रेटरी चला रहे। और रोजगार सहायक? रोजगार भी दो ही जने। और ऐसा सुनने में आया है कि आपके यहाँ जो शौचालय बने गए हैं वे आधे अधूरे, उनमें भ्रष्टाचार हुआ, आपको इसकी जानकारी है क्या? और आपके घर में शौचालय बनाया है? और एक वीडियो सरपंच साहब आपका वायरल हुआ था कि आप दोनों सरपंच और आपकी पत्नी गांव में मजदूरी करने के लिए जाते हैं और आपने वहां मजदूरी गेहूं मजदूरी से गेहूं काटा है, कितनी सत्य? बिल्कुल सही बात। आपका भरण पोषण कैसे हो रहा है? अब मजदूरी कर रहे हैं अपनी। आज भी मजदूरी कर? आज भी कर रहे हैं सर। आप और कौन कौन जाता है? हमारे घर के ही जाते हैं। कौन कौन जाते हैं? बच्ची जाते, हम जाते, मोड़ा बहू जाते, सब लोग जाते हैं। आप तो देख लो साहब, पूछ लो गांव वालों से। आपको ये जानकारी नहीं है कि जिस सरपंच कौन चला रहा अभी? अब सेक्रेटरी है, समझ गए, जो सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी है। अच्छा, गांव के भी तो जवान है उनके साथ, वे मिले जुले रहते हैं। ऐसा सुनने में आया है सरपंच साहब, इसमें कितनी सत्यता है कि आपने पहले गांव के कुछ लोगों को ठेका में सरपंची बेच दी थी? नहीं, और पहले दूसरे को बेची थी, अब गांव का एक तीसरा व्यक्ति भी सरपंची को चला रहा है? पूरा भ्रष्टाचार आपका कहने का मतलब है कि सेक्रेटरी ने किया है, इनके द्वारा किया गया? 5 साल से काटी ने और आप ने चलाई। अच्छा, आपसे आपका नाम? अंगुइना। सरपंच कौन है? पति। अच्छा, ऐसा सुनने में आया है कि गांव में जो कार्य हुए हैं ग्राम पंचायत के उनमें भारी भ्रष्टाचार हुआ, क्या यह आपके पति के द्वारा किया गया? नहीं साहब, मेरे पति अब ना अनपढ़ हैं, सो का कुछ लगवाना है तो अंगूठा लगवाना। कौन लगवा जाता था पहले? महाजन कलाय। कलाय, क्या नाम उनका? हज्जू। अच्छा, उनके द्वारा? और कोई नहीं, सेक्रेटरी। ऐसा सुनने में आया है कि पहले दूसरे सरपंच चलाते थे, अब आपके यहाँ एक पंडित जी भी सरपंच चला रहे हैं? नहीं साहब, अब हमें मालूम नहीं करा बेटा, हमारे पास ये याद में चला आया इसे, तो सेक्रेटरी चला रहे हैं। आपके गांव में ऐसा सुनने में आया है कि लगभग 10 से 15 CC रोड डल गए जो कागजों में डले हैं लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं डले, गाँव कन्ने उसकी शिकायत भी की, आपको इसकी जानकारी है? आप लोगों कोई जानकारी नहीं? सर, कभी ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो उसमें आपको बुलाया गया हुई क्या? कभी नहीं बुलाओ। हाँ, कभी नहीं बुलाओ, कछु काम भाव को भाव नहीं बुलाओ। अच्छा, फिर मतलब आपकी रोजी रोटी कैसे चलती है? रोजी मजदूरी का ऐसा। अच्छा, एक वीडियो अम्मा वायरल हुआ था चैत के महीने का है, उसमें आपके पति कह रहे हैं दूसरे के यहाँ मजदूरी कर रहे हैं कि हम मजदूरी से पिसी काट रहे हैं, तो क्या आप लोग मजदूरी को जाते हो? इतनी दयनीय स्थिति है। हाँ साहब, बिल्कुल, जैसे अब बाली बच्चन को पालन पोषण करने से मजदूरी तो हमें करने कर ले। अच्छा, मतलब सरपंच जी से आपको कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं भाई, हमें वो काको उठ के जाकर पैसा निकाल लाए सुखा लाए,
रकाई भी बंद गई हमारे राज साहब ने और सेक्रेटरी ने दो ही जन ने दो जन सेक्रेटरी को कहा नाम प्रताप प्रताप कौन घोसी और राज साहब का क्या नाम हज्जू आपका नाम बहादुर राव अभी आपके गांव के सरपंच ने आपके चाचा पे आरोप लगाया है कि सरपंच जी उन्हीं ने चलाई और उसमें भ्रष्टाचार किया है इस बात में कितनी सत्यता है इस बात में पूरी झूठता है बिनाई की पंचायत राजकुमार बुजुर्गा इस मेन सेक्रेटरी हैं दूसरी पंचायत में पदस्थ हैं निहाल सिंह सेक्रेटरी और रोजगार देवेंद्र यादव द्वारा पंचायत का विवरण किया जा रहा है इससे पहले भी जे प्रताप घोष के साथ में मिलकर नंबर दो के फर्जी काम करते रहे हम लोगों से ना इनका कोई ताल्लुक है बुराई के रंजिश के तरीके से हम लोगों को पसाना 32,000 की रकाबी ग्राम पंचायत पे बनी है 32 लाख की हाँ। जे किसने किया है जे 32 लाख की बादाम आदिवासी ने और प्रताप ने की थी और इससे भी ज़्यादा अभी भी घोटाला चल रहा है इनकी शिकायतें हमारा भाई जो भी करता है इसकी वजह से जी हमारे चाचा को बुलाना चाहिए अभी भ्रष्टाचार कौन कर रहा है अभी भ्रष्टाचार इनके साथ में मिलके ईलू बुजुर्गा और मन से चल के भागचंद यादव और बादाम सरपंच और सेक्रेटरियों से मिली हुई भगत ना गांव में कोई सफाई हर गांव में गंदगी नाले पैसे कर चुके हैं सैनिटाइज के कोई छिड़काया नहीं हुआ है आज तक कोई कार्य सही ढंग से नहीं किया गया है और हमारे समस्त ग्रामवासी परेशान हैं बेरोजगार फिर रहे हैं नंबर दो के खातों से पैसा आहरण हो रहा है भाई जी पैसा भी निकल रहा है अभी जो आपने कहा कि जो तरैया बन रही इसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है इसका काम कौन कर रहा है इसका काम ईलू बिजुआ भागचंद यादव और सेक्रेटरी लोग कर रहा है अच्छा हाँ उप सरपंच मिल के करवा रहा है साथ में पूरा मैंने तो सरपंच ही है अब वो जिस चाय की कह दे कि जे काट रहा है वो काट रहा है दस्तखत तो तुम कर रहे हैं ना मिला के साथ में उसका कहना है कि हमारे पास है हमारे धोखे से दस्तखत डाल लिए जाते धोखे से दस्तखत डाल लिए जाते हैं तो इसके लिए आप अपने लगा एक शिक्षक आदमी रखो ना विश्वासपात जो तुम्हारा सहारा दे सके तुम किसी का सहारा बनने के लिए जब नहीं थे सरपंच क्यों बने इस लायक नहीं थे भाई साहब सरपंच तो मजदूरी कहता है उसके वीडियो भी वायरल हुए हैं पिसी काटते हुए तो श्रीमान जी सरपंच नहीं प्रधानमंत्री भी अगर बन जाए तो जब वो उसका घर का काम होगा अगर आदमी नहीं मिलेगा नहीं, तो वो कहेगा कि नहीं की है एक सेन की यहाँ है तो ये दिखावा है सब मजदूरी करना दिखावा है जब लड़का लाखों रुपया की जुआ भी खेल सकता है दोनों कानों में सोने के भाला पहन सकता है तो बहुत बड़ी बात है तो आपका कहने का मतलब ये है पूरे गांव को परेशान किए हैं भ्रष्टाचार कर लिया है और साथ में वो भी खा रहा है उसकी लगवाए भी खा रही है बुराई गंज लगवाए कौन है आपका कहने का मतलब लगवाए ईलू बिजुआ भागचंद यादव दोनों यही शुरू से पंचायत को पूरी मचा के चलाते रहे आपका कहने का मतलब है कि इन दोनों ने मिलके सरपंच के साथ पूरा भ्रष्टाचार किया इन्हीं दोनों ने किया शुरू से अभी तक इनने उसको शिक्षा दी कि तुम सेक्रेटरी से मिलके काम करो तो सेक्रेटरी से जी मिला है माँ सेक्रेटरी से जी मिले 32 लाख का जो रिकायदी बनी है जी ये सब बिल्कुल सरपंच की मिली भगत से करे हैं पैसे का नाम सत्येंद्र बिदुआ सर आपके गांव में जो सरपंच है बादाम आदिवासी उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगी थी और उसके ऊपर 32 लाख की रकैदी बनी है जब उससे इस बारे में सवाल किया गया तो उसका कहना था कि मेरे द्वारा यह भ्रष्टाचार नहीं किया गया है मैं तो मजदूरी करता हूं मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है पूर्व ग्राम पंचायत सचिव और एक राय परिवार दोस्त ने आरोप लगाए थे कि इन लोगों ने मिलकर गबन किया है और मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है जब राय परिवार से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि सरपंच जी मैंने नहीं चलाई ईलू बिदुआ तथा उनके पिताजी राजकुमार बिदुआ ने चलाई है और इनने और सचिव ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है आपका इस बारे में क्या कहना है इसकी सत्यता ये है कि पूरा गांव जानता है इस चीज़ को हमें कहने की ज़रूरत नहीं है पूरे गांव को पता है कि सरपंच जी किसने चलाई है वो कौन चला रहा था इस चीज के लिए हम तो गवाह हैं सो हैं तो गांव को पता है वो आपको भी है तो वो लोग कौन हैं जिनने पहले सरपंच चला के गबन किया बहादुर राय जी शोभाराम राय जी इन लोगों ने सरपंच चलाई तो इस चीज को यथास्थिति में सरपंच खुद कहेगा जी सरपंच भी कहता है पूरे गांव को पता है इसमें हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है और जो है स्पष्ट है इसमें गबन किसने किया से
आरोप लगाए जा रहे हैं ये एक रंजसवादी है, इसमें हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, ना सरपंच से ना किसी से। जिस प्रकार से आरोपित लगाए जा रहे हैं कि सरपंच सिक्योरिटी के बालक द्वारा पंचायत चलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं, ना हम लोगों का कोई ताल्लुक है। आपके द्वारा सरपंच जी नहीं चलाई जा रही? नहीं, अभी अभी हमारे पास आया है 5 साल के बाद जी। अभी उसने हमसे कहा कि आप आइए महाराज, आप देखिए जी जी कि सरपंच जी किस तरह से, जिस प्रकार से हमने भ्रष्टाचार देखा, तो सर मेरा 32 लाख का भ्रष्टाचार हुआ है। सर मेरा ये कहना है, तो जो जब गबन हुआ है वह किस किस समय में हुआ? जी गबन हुआ राय साहब के टाइम पे, सुबाराम राय, बहादुर राय एवं प्रताप घोष। उस समय सेक्रेटरी कौन था? प्रताप घोष पंचायत सचिव बर्माडांग वाली प्रताप घोष थे, और सबको पता है इस चीज का कि कौन सेक्रेटरी था और कौन सरपंच चला रहा था, हमें इतनी कहने की कोई जरूरत नहीं है। नोटिस किसके द्वारा सरपंच को भेजा गया था? नोटिस शासन द्वारा आया, उनको 32 लाख का नोटिस आया था, और इस चीज को सबको पता है कि 32 लाख की रकैबी जो हुई है किसके द्वारा हुई है और किसने गबन किया है, इसमें मिली भगत किनकी है, जिसमें शोभाराम राय एवं बहादुर राय भी है और सम्मिलित हैं, और इसके लिए पूरे पूरे गांव से भी आप लोग किसी से भी पूछ लें, वो कहने के लिए तत्पर हैं। अच्छा, इस बात में सर कितनी सत्यता है कि सरपंच पहले मजदूरी करने के लिए जाता था? नहीं, सरपंच मजदूरी करने के लिए जाता था, वो जो एक चूँकि आदिवासी है, और लोग आज के ज़माने में उसे उस चीज़ का उसका दुरुपयोग कर रहे थे जी सरपंच का। हाँ। तो जब उसको पता चला कि मेरे ऊपर 32 लाख की रिकवरी हो चुकी है, तब वो मेरे पास आया, मैंने उनसे कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारे पास 32 लाख की रिकवरी हुई है चलो अपन देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार से ये आरोप लगाए जाए सरासर झूठ हैं और बेबुनियाद हैं, ये यथावत सत्य है। ग्राम पंचायत मिलारी भूल सरपंच ग्राम पंचायत मिलारी। दादा आपकी क्या शिकायत? हमारी क्या शिकायत है कि आज तक जो हमारे किया जाए तो चल ना कहीं तीन दा बेस पता खेत करके वो इधर खेत करता है। कैसे मतलब? आपको तो मतलब है कि तलज्जा पे तलज्जा बना रहे हैं? तलज्जा पे चल रही है। हाँ, के निहाल सिंह है सेक्रेटरी के कदर हुए अकेले सरपंच का नहीं है उसमें? हाँ सरपंच है। वो कौन कर रहा है? सरपंच का नाम बादाम क्या? हाँ बादाम आदिवासी जो आज के सुनने में आया था कि सरपंच आदिवासी है, वो कोई हुआ चलाती है सरपंच जी? तो चलाए अब रात हुआ बिल्कुल चलाए। हाँ पहला बेटा के पाता घोष। हाँ अब निहाल सिंह चला थे हाल लड़के। निहाल सिंह कौन है? निहाल सिंह ऐसे कहें माल सचिव बधाई है वो। अच्छा, तो दादा क्या आपकी ग्राम पंचायत में जो कार्य हो गए हैं वो जमीनी स्तर पे हुए क्या? नहीं। हाँ कौन जमीन स्तर है? तो भ्रष्टाचार मचा पूरा अपने आगे कर मजदूर तक लेना मशीन से दाब के दावा दी भूसा पत्थर बेच बेच खेत की चलता की उसमें चपका था। अच्छा, जो कहता है वो क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ? हर चीज का भ्रष्टाचार है। जैसे जैसे अब तुम देख रहे हैं, जब किसी को कार्ड बनो तो कहला 5000 रुपये दो, सबसे कट्टी 5000 रुपये, जब मृत्यु प्रमाण पत्र बने तो 10000 रुपये दो। अच्छा, जब तक उसे कट्टी कोई नहीं बनाता। अच्छा, जो कहते हैं। हाँ, आवासों की स्थिति क्या है दादा आपके यहाँ? आवासों की तो रुपया फेरा दो, जब आवास की मांगा रुपये से कट्टी मांगा और बेमांगा। हाँ पैसा दो, पैसा दो फेरा कलाए मांगा। तो शौचालय की स्थिति क्या है आपकी ग्राम पंचायत? शौचालय बनेगी नहीं ना, चाहे 500 हज़ार बनी तो रुपया दे रखे तो उनकी हुई में जान, तो ऐसी बनी चलता। और अभी जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन चला है, तो मजदूरों को ऐसा कहा गया था कि गांव में मजदूरी मिले तो नरेगा के तहत, तो आपके यहाँ मिल रही है मजदूरी की नहीं? एक रुपया मिल रहा। हाँ मजदूरी मिल रही है? एक रुपया नहीं किसी को, काम पे नहीं लगाया, मशीन से चलाई डाके चल जाता। अच्छा, और पेंशन की कैसा क्या है? पेंशन कम हो, एक महीना खा ले, एक महीने का नाच नहीं मिल रहा, नाच बट रहा और नाच नहीं मिल रहा। अच्छा, तो 2 महीना का 5 महीना में, 5 महीना में 1 महीना को देगा, बस होगा बट होगा बस। ऐसा भ्रष्टाचार कैसा? ऐसा सुना है कि आप विपक्ष के नेता भी हैं कांग्रेस के, आपने मांग नहीं उठाई? हमने कई भी कही, विजय सिंह ने कही, सबसे कही, लेकिन काम भी सुनी नहीं हमारी, नहीं सुनी। अब पूरे भाजपा के बन गए तो अब नहीं सुन रहे, अब नहीं सुन, अब तो पूरे
पंचायत है आपकी, पूरी ग्राम पंचायत है, पूरे ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार, पूरे देश में ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार, सब में भ्रष्टाचार है। गाँव में रोड डले हैं आपकी सीसी सीसी के डाली नहीं डे कौन है क्या बताना, एक किलोमीटर आई है पाँच किलो के पैसा निकाल। सुनने में तो ऐसा आया है कि सरपंच ने इन लोगों ने मिलके जो भ्रष्टाचार किया था, सरपंच के ऊपर 32 लाख की रिकायत भी बंदी है। नहीं वो उन्हें स्वयं खाओ, उन्हें खाओ निहाल सिंह ने खाओ, और न खाओ वो पैसा घोष अभी को खा लो, अभी इलू बीत गया अभी खाए और वो कला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।